स्क्रीन पर दिख रही पिक्चर में आप देख पा रहे हो, यह है पिक्चर वहीदा रहमान की है। यह हमारे वर्तमान में जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। इसके अलावा छोटी पिक्चर में आप देख पा रहे हो आलिया भट्ट को, कृति सेनन को, अल्लू अर्जुन को। तो आपको बता देते हैं कि ये सब स्टार आप फिल्म स्टार देख रहे हो, तो आज की जो वीडियो है स्पेशल फॉर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो कि 69वें नंबर की हैं, 2023 में भी दिए गए हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023। तो आज की जो वीडियो है वह रहेगी नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 से संबंधित, और हम जानेंगे इससे संबंधित बनने वाले सारे करंट अफेयर्स को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके वर्मा और आप इस वक्त हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके वर्मा पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 के बारे में। लगभग आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी में यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। सबसे पहले जो बड़ा प्रश्न बनना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, उस प्रश्न को लेकर चलते हैं। फर्स्ट प्रश्न जो बनेगा, आपने सुन रखा होगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बोल दो या पुरस्कार बोल दो, यानी जो सबसे बड़ा प्रश्न है इन पुरस्कारों से संबंधित, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह पुरस्कार किसको दिया गया। और यहाँ देखने वाली बात यह भी रहेगी कि ये जो पुरस्कार जो दिया गया है ना, यह 2021 के लिए दिया गया, वर्ष 2021 के लिए। हालांकि हम पढ़ रहे हैं नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 यानी वर्तमान के, लेकिन जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो 2021 के लिए दिया गया है, वर्ष 2021 के लिए। ये थोड़ा ध्यान रखना आपको, और आपको बताना है कि दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के लिए, जो वर्ष 2021 के लिए किसे मिला है। तो आप यह पिक्चर देख पा रहे हो, यह पिक्चर है वहीदा रहमान जी की। तो किसे दिया गया है, वहीदा रहमान को कौन सा अवार्ड, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, और किस वर्ष के लिए, 2021 के लिए। और सबसे बड़ा प्रश्न यही बनता है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये 69 नंबर, कि इस बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कौन से नंबर के दिए गए थे, 69वें नंबर के दिए गए थे। कौन से नंबर के दिए गए हैं, 69 नंबर के दिए गए हैं, 69वें नंबर के। अब चलिए शुरुआत करते हैं अलग अलग कैटेगरी में जाने के लिए कि किस कैटेगरी में क्या कुछ मिला है। सबसे जो पहली कैटेगरी है सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का जो अवार्ड है वह किस मूवी को मिला है, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का अवार्ड। तो यह जो मूवी है आपको बता देते हैं, मूवी का नाम है रॉकेट्री मूवी है, और पूरा नाम है रॉकेट्री दे नाम्बी इफेक्ट। इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का अवार्ड। बात करें ये मूवी किसकी है, तो आर माधवन द्वारा निर्देशित मूवी है, ये आर माधवन द्वारा निर्देशित मूवी है। तो पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का जो अवार्ड है नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 किसको मिला है, तो रॉकेट्री दे नाम्बी इफेक्ट को। अगला प्रश्न बनता है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इस कैटेगरी में किसे अवार्ड दिया गया है, यानी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए जो अवार्ड मिला है वो किसे मिला है। तो आप ये पिक्चर जो देख पा रहे थे, इसमें जो ये पिक्चर देख पा रहे हो, ये वाली पिक्चर, इस ये पिक्चर किसकी है आप देख के होंगे, देख के पहचान रहे होंगे। तो ये जो पिक्चर है अल्लू अर्जुन की है। तो अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, और उनकी जो मूवी आई थी आपने अगर देखी है पुष्पा, जिसमें ये डायलॉग काफ़ी फेमस हुआ था, झुकेगा नहीं, ठीक है। तो इस मूवी के लिए यह इन्हें अवार्ड मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। अब बात करें कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए किसे अवार्ड मिला है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अवार्ड किसे मिला है। तो
आपको बता देते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के जो अवार्ड मिले हैं, ये दो को मिला है इस बार एक साथ में, एक अभिनेत्री को नहीं मिला है। एक तो मिला है आपको पता होना चाहिए आलिया भट्ट को, आलिया भट्ट आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं आलिया भट्ट को। दूसरा ये जो हीरोइन है इसको पहचान पा रहे हो आप, बता सकते हो कौन है ये। सेकंड मिला है कृति सेनन, अभिनेत्री कृति सेनन को। पूछ लिया जाता है कि ये अवार्ड कौन कौन सी मूवी के लिए मिला है, तो आलिया भट्ट को मिला है इनकी मूवी गंगूबाई काठियावाड़ी। और कृति सेनन को जो मिला है इनकी जो मूवी है मिमी, इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है। तो अभी तक हमने क्या क्या किया, सबसे पहले दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, वहीदा रहमान को। नंबर वन हमने ये पढ़ा, नंबर दो में हमने किसको पढ़ा, नंबर दो में हमें पढ़ा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसकी है, रॉकेटरी द नामी इफेक्ट, आर माधवन। थर्ड नंबर हमने पढ़ा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है, अल्लू अर्जुन को पुष्पा मूवी के लिए। फोर्थ सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए मिला है आलिया भट्ट को और कृति सेनन को एक साथ मिला है। आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिला है मिमी के लिए। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर, नरगिस दत्त पुरस्कार, इन्हीं अवार्ड के अंदर ये दिया जाता है नरगिस दत्त पुरस्कार। तो पहले तो आपको बता देते हैं ये नरगिस दत्त पुरस्कार किस लिए दिया जाता है। तो नरगिस दत्त पुरस्कार के पीछे रीजन है राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म, जो राष्ट्रीय एकता के लिए बढ़िया फिल्म होती है उसके लिए उसको मिलता है नरगिस दत्त पुरस्कार। और इस बार ये जो पुरस्कार मिला है ना, यह मिला है मूवी द कश्मीर फाइल्स। ये मूवी काफ़ी कंट्रोवर्शियल थी और काफ़ी चर्चित थी, द कश्मीर फाइल्स, जो कि कश्मीर पर आधारित एक फीचर फिल्म है। इसको दिया गया है राष्ट्रीय एकता पर, इसे दिया गया है नरगिस दत्त पुरस्कार। ये था आपका पाँच नंबर। छः नंबर जो पॉइंट है, छः नंबर मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अपने एग्जाम की दृष्टि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले हम वही कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो अवार्ड मिला है वह किसे मिला है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है वह, तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए आपको मिला है निखिल महाजन। और आपको पता होना चाहिए इनकी मूवी निखिल महाजन को मिला है, इनकी जो मूवी है ना किस मूवी के लिए मिला है, तो इनकी मूवी का नाम है गोदावरी। इस मूवी में इन्होंने अच्छा निर्देशन किया है। नेक्स्ट जो है आपको बताना है कि सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय जो फिल्म थी किस मामले में, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने के मामले में जो सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय मूवी थी वह मूवी कौन सी थी। तो इस मूवी के लिए अवार्ड मिला है RR को, RRR को। ये काफ़ी अच्छी मूवी थी, अगर आपने देखी तो RRR को। देखिए आपने यहाँ पढ़ा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए आलिया भट्ट और कृति सेनन को मिला, तो फिलहाल आप बताइए कि सहायक अभिनेत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड किसको मिला, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री को। अभिनेत्री के अंदर तो दो को मिला एक साथ, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के अंदर तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का मिला है अवार्ड पल्लवी जोशी को। अब आपको आप सोच रहे होंगे कि ये किस मूवी के लिए संबंधित है पल्लवी जोशी, तो आपने अगर मूवी देखी है द कश्मीर फाइल्स, इस मूवी में पल्लवी जोशी का किरदार था। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ अगर अभिनेत्री को पढ़ाए तो सर्वश्रेष्ठ सॉरी सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री को पढ़ाए
तो पढ़िए, सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सहायक सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का। तो सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का जो अवार्ड है, पुरस्कार है, वह किसको मिला है? तो अभी ये जो मिला है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का तो आपको अल्लू अर्जुन को मिल गया, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का मिला है पंकज पंकज त्रिपाठी। और इनकी जो मूवी थी मिमी, मूवी दो ही चल रही है काफ़ी इम्पोर्टेंट मिमी के लिए। ठीक है जी, नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार, बाल कलाकार सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए जो आपको मिला है, सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार के लिए जो पुरस्कार मिला है वह मिला है भाविन रेबारी को, भाविन रेबारी को, भाविन रेबारी को। और ये जो मिला है इसे छेलो शो के लिए, छेलो शो के लिए मिला है। तो ये 10 हमने इम्पोर्टेंट जो कि परीक्षक दृष्टि से हैं वो अवार्ड्स किए हैं। एक बार फिर बताते हैं, आज की वीडियो है स्पेशल फॉर नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023 के लिए। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि दिया गया है 2021 के लिए वहीदा रहमान को। सेकंड हमने जाना सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म कौन सी है, रोगेटरी दे नोम्बी इफेक्ट है, जो जिसके निर्देशक हैं आर माधवन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन पुष्पा के लिए। अब इसके साथ साथ थर्ड नंबर के साथ साथ आप ये जान लीजिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता है पंकज त्रिपाठी, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री है पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल्स के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियां हैं, इस बार दो अवार्ड मिले हैं, एक आलिया भट्ट को और एक कृति सेनन को। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिमी के लिए। और नरगिस दत्त पुरस्कार जो दिया जाता है इन्हीं इसी फिल्म फेयर में दिया जाता है, राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ जो पिक्चर फिल्म होती है उसके लिए दिया जाता है, ये मिला है द कश्मीर फाइल को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार मिला है निखिल महाजन को मिला है, उनकी मूवी गोदावरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने की दृष्टि से है RRR, ट्रिपल आर भी बोला गया है इसे, RRR और आर, अच्छी मूवी है ये। और इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पल्लवी जोशी द कश्मीर फाइल्स के लिए, और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पंकज त्रिपाठी मिमी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार भाविन रेबारी। हमने ये टॉप 10 जो हैं ये किए हैं अब स्पेशल फॉर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए। कुछ पर्सन और बनते हैं जो थोड़े सहायक हैं, हो सकता है कभी कभार कोई पर्सन उनमें से पूछ लिया जाए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 99% तो इन्हीं में से चांस बनता है। उनके लिए भी आपको एक मूवी और बना देंगे, क्योंकि अवार्ड की संख्या काफ़ी ज़्यादा है तो एक साथ इनको पढ़ना सही नहीं रहेगा। इम्पोर्टेंट जो थे वो अपनों ने इस मूवी में, इस वीडियो में कर लिया है, और बाकी जो थोड़े कम इम्पोर्टेंट हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको और अप्लाई आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप वो वीडियो भी देख लेना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस के वर्मा सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलता रहे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन। इसके लिए आप दबा लीजिए बेल आइकन। और आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।